आगे हो गया, आने जाने में डिस्टर्बेंस हो गया, पीछे बिल्कुल लटक ही जाते हो। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि पुलिस इस चीज़ के लिए मना करती है ना, वो अदरवाइज थे, लेकिन आप लोग सिविल में रहे तो वो इस चीज़ को मानते भी ज़्यादा चलते बस तो वो रखते। और उसमें भी एक जगह नहीं, एक जगह दूसरा गेट और है पास में छोटा वाला, हम तो वहाँ भी खड़े थे, थोड़ा सा वो अजमोल सा हो रहा था, उसको एक लाइन में रहना काफ़ी देर तक लाइन में रहते हो, बाद में एंड में थोड़ा सा वो हमारा सहयोग दिए, आपको लगता है कोई मान नहीं रहा है। सोमवार को ईद भी है और महीने सोमवार आखिरी सोमवार भी है, इन दोनों के विषय में कि आपसे सामंजस्य बने रहे इस वजह से मीटिंग की गई थी। क्या जानकारी दी आपको? इसमें जानकारी दी गई कि आपस के अंदर जो भी है मिलजुल के ये त्यौहार मनाया जाए, और जो डीजे साउंड है इसकी परमिशन नहीं है, उसको थोड़ा धीरे बजाया जाए। आज क्लॉक टावर थाना पे CLG मीटिंग रखी गई थी, इसको देखते हुए कि सोमवार को बकरीद भी है और सावन का अंतिम सोमवार है, काफ़ी सारे लोगों की भीड़ होने वाली है, और इसको देखते हुए कि ये शांतिपूर्ण रहे और अभी जैसे माहौल चल रहे हैं अब सब शांतिपूर्ण है और लोगों से भी पॉजिटिव है, बट क्योंकि पुलिस प्रिवेंटिव तरीके से चलना चाहती है इस संबंध में सबसे चर्चा की गई। चर्चा में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है और ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं है, लोग जागरूक हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि हर चीज़ की परमिशन लेनी पड़ती है और कैसे प्रोसीडियर है, सब फॉलो भी कर रहे हैं और इनके तरफ से भी पॉजिटिव है। अच्छी बात यह है कि पुलिस का रोल भी इन्होंने पॉजिटिव बताया और कोई कमी पिछले सालों में नहीं रही है, और उम्मीद ये रहेगी कि इस बार भी हम काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम कर पाएँ ताकि किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं आए। इन्होंने कोई विशेष समस्या आम दिन की ज़रूर बताई है जो ट्रैफिक से संबंधित है, और ये बात सत्य भी है, कुछ ट्रैफिक की समस्या हो जाती है क्योंकि यहाँ पर स्टेशन है, स्कूल है, तो जब पीक आवर्स होते हैं, ट्रेनें आती हैं इंपॉर्टेंट और स्कूल छूटते हैं, तो कुछ ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। जाप्ते की भी थोड़ी सी कमी है जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को बोला जा चुका है, और समय समय पर इसका समाधान करने के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं, ट्रैफिक का भी अलग से जाप्ता लग रहा है।